हर साल की तरह इस साल भी प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी थाना आज सामुदायिक भवन कुम्हारी में वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा वार्षिक उत्सव एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम माता सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। इस दौरान स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने छत्तीसगढ़ी लोक गीतों पर नृत्य की रंगारंग मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों की जमकर वाहवाही बटोरी। वहीं वरिष्ठ पत्रकारों को मंच पर शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से 90 वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार अंबादास देशमुख को प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। दरअसल बात प्रेस क्लब ऑफ कुम्हारी का ये आयोजन है और हर वर्ष हम ये आयोजन करते हैं। ये आयोजन जो होता है मुख्यतः जो है वो दिसंबर इसी माह हम ये करते हैं आयोजन को, और इस आयोजन में हम ऐसी विभूतियों का सम्मान करते हैं जिन्हें समाज में वैसे बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन उनकी उपलब्धि बहुत होती है, तो ऐसे विभूतियों का हम सम्मान करते हैं। और एक वक्ता जो होते हैं हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अच्छे वक्ता रहते हैं उनको हम बुलाते हैं और सारे पत्रकारों को उनके रूबरू करवा के ये चाहते हैं कि एक बेहतर पत्रकारिता सामने आए और जो नवोदित पत्रकार हैं वो भी अपनी बात रखें या पूछें या जानें अपनी बात कि जो वरिष्ठ हैं उनसे अपनी बात को समझें, तो हमारा उद्देश्य यही रहता है। ये कौन सा वर्ष है और क्या कुछ खास रहा है इसमें, कौन-कौन कितने रत्नों को आप लोगों ने पुरस्कृत किया? देखिए हमने विगत 8 वर्षों से लगातार हम ये सम्मान समारोह कर रहे हैं और अब तक हमने ऐसे ऐसे लोगों का सम्मान किया है कि जिनको लोग पहचानते नहीं थे। एक बड़े छोटे से गांव में जिनका निवास है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का को प्रस्तुत किया है, ऐसे कलाकार को हमने खोज निकाला और ऐसे का हमने सम्मान किया है। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ जो पत्रकार हैं जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे अंबादास देशमुख जी हैं, ये 90 वर्ष की उम्र है इनकी, इन्होंने 45 वर्ष जो है वो पत्रकारिता को दिए हैं, तो इनको हम इस वर्ष जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जो है इनको हम दे रहे हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम में पत्रकारों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए कुम्हारी से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।